कैसे कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना, वो सब मैं बताऊं। मैथ्स जो है ये डिसाइड करेगा कि आपका रैंक क्या आने वाला है, आपकी परसेंटाइल क्या आने वाली है। सर टाइम सर मैनेज नहीं हुआ, कैसे मैनेज होगा? घर पर टाइम मैनेज कर, टाइम बाउंड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो? यही तो वो टाइम है ना जिसमें आपको पेपर देना है। तुम बच्चा अपने जीवन को नहीं बदल सकते हो, अपने मार्क्स को नहीं बदल सकते हो, अपने परसेंटाइल को नहीं बदल सकते हो, तुम अपनी आदतें बदल सकते हो। और ये आदतें जो है ना, ये तुम्हारी परसेंटाइल बदलेंगी, तुम्हारे मार्क्स बदलेंगे। तो 2024 में जैसा पेपर आया है, जो ट्रेंड रहा है, इस हिसाब पर 2024 अप्रैल सेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए सर, आओ समझते हैं। मैथ और फिजिक्स की बच्चा देखो, सबसे पहले ये देखिए, ये चार्ट है, लगभग इसी चार्ट के अकॉर्डिंग इस साल भी आया। मैं कह रहा हूं किसी पेपर में तो 10-11 भी कैलकुलस पूछा गया है, वहां तो वेटेज खराब हो जाएगा ना। ओवरऑल एनालिसिस में दे रहा हूं, ये वो चार्ट है, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो काफी सालों से थोड़ा इग्नोर चल रहा था, इस बार फिर से बाउंस बैक किया है ना। क्लास 11 का टॉपिक है, ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, अलजेब्रा, थोड़ा सा कह सकते हो कैलकुलस थोड़ा सा 20% से ज्यादा हो गया है, 25 तक इसको मान सकते हैं। तो ये है मैथमेटिक्स का, इसमें से सबसे ज्यादा 70% जो क्वेश्चन आए हैं इस सेशन में भी और पहले भी, वो कौन कौन से टॉपिक है बच्चा? तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, आप जाकर के देखिएगा, इस पर भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, PNC बच्चा, मैट्राइसेस, ठीक है, वेक्टर 3D, बोलो बोलो, फंक्शन एंड, अरे भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन से टोटल 22 सवाल पूछा गया है आपके सारे पेपर मिला करके। वेक्टर 3D से 30 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये है बच्चा। और अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऑन एन एवरेज 3-4 सवाल, अब देख लो कितना, ये मेंस 2 के लिए 70%। और वो सोचो बच्चा, अगर तुम 70% ये पूरा कवर करते हो, इसमें से 60% भी तुम क्वेश्चन सही करते हो, बताओ क्या होता है? मैं कहता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री तो एकदम आसान आ रहा है ना, किसी भी पेपर में आप देखे कि मॉडरेट भी पूछा है, NCERT का लेवल पूछा है केमिस्ट्री, NCERT निहायती NCERT पूछा है, कोई बच्चा आके नहीं बोला कि सर हमको केमिस्ट्री परेशान किया है। फिजिक्स भी इवन कोई नहीं बोला है, कोई कोई बच्चा किसी किसी शिफ्ट में बोले कि फिजिक्स हल्का सा गलती ज्यादा हो गया, बस मैथ तो सबको परेशान किया है ना, किया कि नहीं किया? हर बच्चा जिससे पूछो 8 सवाल 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा मैथ्स जी NTA चाहता है, हमारी हायर अथॉरिटी चाहती है कि इंजीनियर बनना है ना, उसका मैथ्स तकड़ा होना चाहिए, मैथ्स से बच्चों का लेवल चेक कर रहे हैं वो लोग, समझ आ गया? तो सोचो अगर पहले ये स्कोरिंग टॉपिक जो है जिससे हाईली वेटेज वाले, ये करने में कितना लगेगा? मेंस 2 में भी 2 महीना बचा हुआ है, नहीं कर सकते हैं क्या? और 70% को अगर पिक करके रखते हैं, कैसे करेंगे वो मैं अभी बताने वाला हूं, बने रहो बच्चा, रहो बने, मैं बता रहा हूं कि मैथ्स आपको केमिस्ट्री आता है, इवन फिजिक्स भी आता है, लेकिन मैथ्स कैसे करना है, कैसे स्कोर किया जाए मैथ्स के अंदर कि हमारे 25 में से 15 मैथ्स सही हो, अरे भाई 14-12 ही सही हो, 12 मैथ्स भी सही करके आओगे ना, तुम्हारे 20 जो फिजिक्स करके आए हो ना उसका मुकाबला करेगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री, अच्छा केमिस्ट्री में ठीक है तुम कितना की हो बच्चा? 18 करोगे 20 करोगे, फिजिक्स में खूब बढ़िया है तो 18 करोगे 20 करोगे और क्या करोगे, कितना हो रहा है बच्चा एवरेज? 35-38-40, वही लोअर NIT में बैठे हुए हैं, लेकिन मैथ्स, क्योंकि ये सब करेंगे, ये सारे बच्चे करने वाले हैं, मैथ्स अगर तुम इसमें जोड़ सकते हो ना, 10 से 15 के बीच में तुम जोड़ देते हो, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ताकि तुमको ऊपर लेकर के जाएगा। पहले तो एक अच्छा NIT का सीट सिक्योर करेगा और एडवांस के लिए कॉन्फिडेंस दिलाएगा। तो बच्चा सवाल है कि कैसे पढ़े सर, किस तरह से पढ़ा जाए, क्या किया जाए कि बाउंस बैक कर सके सर, मेंस 24 अप्रैल सेशन के अंदर सर बिल्कुल मार्क्स को सर मैक्सिमाइज करना है, कैसे किया जाए? तो वो स्ट्रेटेजी मैं लेकर के आया हूं, अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो कुछ मंत्रा देने वाला हूं बच्चा, आ जाओ हम समझते हैं। मेंस 2 में 2024 मेंस 2 में अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर हो, तो बच्चा कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा बच्चा, अभी से करना पड़ेगा। बीच में बोर्ड है तो वो भी बैलेंस होना चाहिए और आपका मेंस 2 भी। CBSE वाले बच्चे, आपका बोर्ड है, आप एकदम तलवार के धार पर हो बच्चा, ना तो आप बोर्ड को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो और ना ही अब मेंस 2 की प्रिपरेशन को, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा और एकदम अंदर में आग जलाओ,
डेली के लिए जो मैं कह अभी बताने जा रहा हूं ना बच्चा, इधर 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 बच्चा इधर, जो मैं बताने जा रहा हूं इसको फॉलो करो तुम। अगर तुम्हारा वाकई में 92 है तो 97 तक पहुंचोगे, 95, 96 है 99 तक पहुंचोगे, ये मेरा वादा है बच्चा। अगर तुम कट ऑफ भी पार कर रहे हो ना सिर्फ, तो तुम्हें एक अच्छा NIT मिलेगा मेंस 2 के स्कोर से। बस जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो करना पड़ेगा। और मेंस 2 में एक अच्छा आपने स्कोर कर दिया, एडवांस के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। और बच्चा एडवांस के लिए स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करोगे एडवांस के अंदर भी सिलेक्शन होगा। और समझते हैं कैसे। और बच्चा सबसे पहले तो आपके जो बैकलॉग है, मैं मैथ्स के लिए बात कर रहा हूं बच्चा, क्योंकि मैथ्स में आप चैप्टर छोड़ के गए हो ना, ऐसे 7 सवाल कैसे हुआ बे, कैसे 8 सवाल हुआ, 8 क्वेश्चन किए उसमें से भी 3 गलत कर दिए हो, ऐसे होता है क्या? अगर मैथ्स के टॉपिक जो हमने अभी पीछे लिखा था बच्चा यहां पर, इनमें से जो भी आपने छोड़ा है उसको कंप्लीट करो अभी जाकर के, इसके बैकलॉग कंप्लीट करो बच्चा। कैसे कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना, वो सब मैं बताऊंगा। ये चैप्टर नहीं छूटने चाहिए, लगाओ अपने कमरे के अंदर टेबल में, हर जगह इन चैप्टर्स का नाम लिखो, क्योंकि मैथ्स जो है ये डिसाइड करेगा कि आपका रैंक क्या आने वाला है, आपकी परसेंटाइल क्या आने वाली है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ा, अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री इग्नोर भी नहीं करना है, उसको पढ़ते चलना है, मैथ्स पर थोड़ा ज्यादा काम करना है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको बैकलॉग, जो मैथ्स के अंदर जो हमने अभी चैप्टर का नाम बताया उनमें से देखो कि आपका कौन कौन सा बैकलॉग, कौन सा कंप्लीट नहीं है उसमें से। जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक कनेक्टिंग टॉपिक्स है बच्चा, उनको करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। वेक्टर 3D है, ये भी कनेक्टिंग है, इनको करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? ऐसे टॉपिक्स, अब सीक्वेंस एंड सीरीज है, बाइनोमियल है, ये अलग अलग है, सेपरेट है, तो उनको आप पहले करो, लेकिन कनेक्टिंग टॉपिक को एक साथ करो। क्योंकि अगर सवाल पूछेगा मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा, 3D से पूछा ना इस बार कितना सवाल वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, तो दोनों टॉपिक्स एक साथ होने चाहिए। फंक्शन बच्चा, क्योंकि आगे के टॉपिक्स के लिए, अब डेफिनेटली इंटीग्रेशन से भर भर के सवाल आ गए, फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ये कनेक्टिंग टॉपिक आपको ढूंढना होगा। आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो क्या बच्चा, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, और किनका वेटेज ज्यादा है हमने आपको बता दिया है, उन चैप्टर्स को पहले करना है, दो स्लॉट बनाना है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि आप 3 घंटे का पेपर इस बार जेई दे के आए हो ना, 1 घंटा पहले एंट्री हो जा रहा था ना, 3 घंटे का एग्जाम, 4 घंटा बैठे हो कि नहीं बैठे हो? क्या जीवन में कितना दिन तुम 4 घंटा घर पर बैठते थे, टेस्ट देने जाते थे, तो टेस्ट में तुम बैठे हो, टेस्ट में 7 दिन में से 1 दिन बैठ ही जाओगे, उससे क्या बदल जाएगा? क्या तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता रहेगा कि नहीं 4 घंटा बैठना होता है? तुम डेली के डेली 4 घंटा बैठते थे, बताओ? उस दिन सर टाइम सर मैनेज नहीं हुआ, कैसे मैनेज होगा? घर पर टाइम मैनेज कर, टाइम बाउंड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, कैसे हो जाएगा बच्चा? एडवांस के दिन 7 घंटा 8 घंटा बैठना है, उस दिन तो दूसरे पेपर में बच्चा आप इतना थक जाओगे कि लग रहा है क्वेश्चन आ रहा है फिर भी नहीं होगा। तो क्या करना है, दो स्लॉट बनाओ, 3-3 घंटे का होना चाहिए। मैं कहता हूं कि 3 घंटे भी नहीं, प्लस हाफ और इसमें जोड़ो, 3.5 घंटे का, मैं 200 मिनट का सिटिंग प्लान का बात करता हूं, वो होना चाहिए। और हो सके बच्चा तो आप जो भी आपका टाइम था ना, ये 3.5 घंटा बैठना है, कितने बजे? 8:30 बजे बैठ जाओ, 8:30 बजे बैठ जाओ बच्चा, कितने बजे तक बच्चा? 12 बजे तक बैठो, बैठो बच्चा, यही तो वो टाइम है ना जिसमें आपको पेपर देना है, समझ रहे हैं क्या? सेम चीज करना है यहां पर भी, ये भी एक जो अपना इवनिंग शिफ्ट है, हो सकता है वो आ जाए, वो टाइम सेट करो। ये दो टाइम अभी से लेकर के कल से मेंस 2 तक, 1 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक, 1 दिन आप सो लेना बढ़िया से। क्या तुम फॉलो कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? करो, और अगर बदलाव नहीं आया ना, जो बोलना होगा इस लाइन, ये तो वीडियो रहेगा ना यूट्यूब पर, बोल के जाओ तुम करो। तो यार तुम बच्चा अपने जीवन को नहीं बदल सकते हो, अपने मार्क्स को नहीं बदल सकते हो, अपने परसेंटाइल को नहीं बदल सकते हो, तुम अपनी आदतें बदल सकते हो। और ये आदतें जो है ना, ये तुम्हारी परसेंटाइल बदलेंगी, तुम्हारे मार्क्स बदलेंगे, तुम्हारे जीवन बदलेंगे, तुम्हारी कॉलेज बदलेंगी, ध्यान रखना। अभी लोअर कॉलेज NIT में जा रहे हो ना बच्चा, टॉप NIT में जाने के लिए, IIT में जाने के लिए ये करना होगा, अपनी आदतें बदलो बच्चा, आदतें बदलो, प्रैक्टिस शुरू करना होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने पढ़ने से नहीं होगा, जिस सब्जेक्ट में सिर्फ थ्योरी पढ़ के गए हो आपको पता चल गया होगा मेंस 1 से 1 के बाद में, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा बच्चा। थ्योरी कितना भी कर लोगे, मेंस का क्वेश्चन नहीं हिलेगा। क्या करना है बच्चा, रोज आपको 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना जी, कम से कम इतने करने हैं, इससे कम कहां करना है? क्या 3 घंटे के अंदर बैठ करके उसी माहौल में उसी इंटेंशन से
टाइम बाउंड करके 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, करो, देखो कैसे बदलता है सब कुछ। आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या? आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। मैं पिछले साल के बच्चों को मैं बता रहा हूं, हमारा यहां टंगा हुआ उनका फोटो, मेंस वन से मेंस टू में हमने मार्क्स घटते हुए देखा है, परसेंटाइल भयंकर घटते हुए देखा है। लेकिन पर ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये आ गया तो इससे तो ज्यादा ही आएगा। मेंस वन अलग है, मेंस टू अलग है, मेंस वन से टू का कोई कनेक्शन नहीं है बच्चा, ध्यान देना, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग। मेहनत करके अपने परसेंटाइल, अपने मार्क्स को भयंकर जंप करा सकते हो, नीचे भी जाता है। मेरे क्लासरूम के ऑफलाइन के बच्चे का अनुभव, ध्यान दीजिए। साथ में सबसे बढ़िया जो चीज है प्रैक्टिस करने के लिए वो है पीवाई, पिछले 5 साल का पीवाई। मैं अपने बच्चों को पीवाई क्यों देता हूं, कैसे देता हूं बच्चा, है ना, 2019 से 2023 तक हमने पीवाई क्यों दे रखा है उनको। और ये पीवाई क्यों है, कैसे, चैप्टर वाइज है पहले तो, कि भाई जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसका पीवाई क्यों एक पे लगाओ, समझ रहे हो क्या? पीवाई क्यों लगा, कैसा है, तो जैसे प्रोबेबिलिटी है बच्चा, तो प्रोबेबिलिटी में भी जितने टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन हमने अलग अलग निकाल के दिए हुए हैं बच्चों को। हमने क्या किया, चैप्टर वाइज पहले जो टॉपिक आसान है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हमने टॉपिक वाइज निकाल के दिया हुआ है, कि बेस थ्योरम पढ़ लिया ना, बेस थ्योरम का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो क्या तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या तुमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, अब उसका प्रैक्टिस करके देखो क्या तुमसे सॉल्व हो रहा है। ये पिछले 5 साल का क्वेश्चन, और अब तो है इसमें 2024 भी जुड़ जाएगा, ये 2024 का जनवरी सेशन भी जुड़ जाएगा। इतना प्रैक्टिस कर लो, चलो 19 हटा दो, 20 से लेकर 5 साल, पिछले 4 साल और इस साल का, इस सेशन का, क्या तुम, जब ये होने लगे, ये कब करना है, जब पहली बार या बच्चा बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद तो आपको डेली के डेली इस सेशन में एक 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 बार में 3 घंटा आप प्रैक्टिस कर रहे हो पीवाईक्यू का चैप्टर वाइज, और 3 घंटे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। ढेर सारे बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आज, कुछ थोड़े बहुत पैसे लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिनका आप सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे 3 चैप्टर का 4 चैप्टर का मुझे मॉक टेस्ट देना है। सिलेक्ट कर लो ना बच्चा, सिलेक्ट कर लो कि मैंने 4 चैप्टर पढ़ा है ना पिछले 4 दिनों में, 1 सप्ताह में मैंने 10 चैप्टर किया हुआ है, 7 चैप्टर किया हुआ है, अब इनका मैं मॉक टेस्ट दूं पीवाईक्यू सेलेक्ट करके, या जैसा भी क्वेश्चन मिले। इतने सारे बच्चा आपके पास रिसोर्सेस, यूज करो लेकिन मैक्सिमाइज करो।